बरेली पुराने रोडवेज पर बंदरों का आतंक रोकने के लिए बरेली रोडवेज ने नया कदम उठाया है। अब बंदरों को रोकने के लिए रोडवेज के कर्मचारियों ने लंगूर के फोटो व कटआउट लगाए हैं, जिसे देखकर बंदर अब भागने लगे हैं। फिलहाल कर्मचारियों व सुरक्षा कर्मियों व यात्रियों ने कुछ हद तक अब बंदरों के आतंक से राहत की सांस ली है। लंबे समय से पुराने रोडवेज पर बंदरों का आतंक मचा हुआ था। बंदरों के आतंक को रोकने के लिए रोडवेज के अधिकारियों ने कई बार नगर निगम को शिकायत भी की थी, लेकिन इसकी समस्या का समाधान न होने पर इस बार नया तरीका निकाला है। पुराने रोडवेज पर बंदरों के आतंक को रोकने के लिए रोडवेज प्रशासन द्वारा लंगूर के फोटो व कटआउट लगाए हैं, जिसे देखकर बंदर भागने लगे हैं और यात्री बेखौफ होकर इधर उधर घूम रहे हैं। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम यासीन है। ये डमी लगाई गई, क्या कारण रहा इसका, क्या है इसका? ये बंदरों को भगाने के लिए लगाई गई है। अच्छा। ये बंदर यात्रियों को ज्यादा दिक्कत परेशान करते थे। अच्छा। बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, यात्री बहुत ज्यादा परेशान होने लगे थे। अच्छा। उसके बाद में यहाँ पे जो भी यात्री आ रहा है या कोई दुकानदार है या हम लोग है स्टाफ के लोग है, उनको भी बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। बंदर अक्सर रोडवेज का नुकसान करते हैं, तार वार तोड़ देते हैं, लाइट वगैरह बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तो इस चक्कर में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इसको लगाने से 2-3 दिन हो गया, आज काफ़ी सुधार मिला है, बंदर अभी तक नहीं आए हैं। कितनी ऐसी डमी लगाई गई हैं अभी तक? तो 2 ही हैं, बाकी और आ रही हैं। अच्छा। जगह जगह बीच बीच में बांध दी जाएंगी, तो हो सकता है उससे बंदरों में कुछ सुधार आ जाए। कितना पहले से आपको इसमें सहूलियत मिली है और यात्रियों को? 3 दिन के अंदर तो हमें काफ़ी लगभग 90% हमें सहूलियत मिल चुकी है इसमें। अच्छा। वरना जो आतंक यहाँ यात्रियों के साथ और पसंदों के साथ में आतंक होता था, बंदर करते थे, उससे बहुत सहूलियत हुई है। कोई बड़ी हानि भी मतलब हुई है अब तक? बड़ी हानि तो यही है कि मान लो पसंजर यात्री कोई खाना बीच में खा रहे हैं तो उसका खाना ले गए या कोई कीमती सामान है वो उठा के ले गए, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, यात्री परेशान होते हैं उसमें। सर रोडवेज पर काफ़ी बंदर हैं जिसको देखते हुए लंगूर के कुछ कटआउट्स लगे हुए हैं रोडवेज पर। जी जी। किस तरीके से सुरक्षा की आप लोगों ने व्यवस्था की, क्या है, क्या पूरा मामला? सर मैं ये जो आपका बरेली पुराना बस अड्डा है, तो यहाँ मैं आया तो देखा कि जो है बंदर बहुत हैं, तो जैसे उनको यात्रियों को भी परेशानी होती है, आम जनता आती है तो डरती है काट न ले, और जो बस अड्डे पे संसाधन लगे हुए हैं कैमरे के तार को वो कर देना, तो एक दिमाग में विचार आया कि कुछ लोगों ने बताया कि लंगूर के कटआउट लगाए जाएँ तो इससे असर पड़ेगा, तो 2 कटआउट अभी बनवा के लगवाए गए हैं, तो उनसे पिछले दिनों 2-3 दिन से जब से लगे हैं 4 दिन से तब से जो है काफ़ी राहत दिख रही है। कितने बंदर हैं इस तरीके से, कह सकते हैं कितने बंदरों का झुंड है जो ये कदम उठा? अब कभी कभी तो एक एक साथ 15-15, 20-20 आ जाते हैं, तो नेचुरली आदमी जो यात्री हैं उन भी डर रहते हैं, और संख्या तो हमको लगता है कि ज़्यादा ही होगी, अब काउंट तो नहीं किया गया, लेकिन आप समझ लीजिए कि 150-200 तो होंगे। बंदर नुकसान करते हैं, जैसे पानी की टोटी लगी हुई है उसको नोच देंगे, कैमरे के तार लगे हुए हैं उनको नोच देंगे, या कोई भी सामान जो है नोच देंगे, कभी कभी स्टेशन इंचार्ज के कमरे में अगर खुला पा गए कभी इधर उधर, तो वहाँ वाशरूम में भी गंदगी करते हैं, हाँ बसों में भी चढ़ जाते हैं, तो बसों में चढ़ जाते हैं तो सीटों वटों को जो है नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसको देखते हुए जो है ये किया गया है। तो हमारे वर्तमान क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय जब आए तो उन्होंने ये सुझाव दिया, तो उसको हम लोगों ने तुरंत लागू किया है और उससे काफ़ी राहत है। विभाग की तरफ से आपके कोई नगर निगम को सूचना दी गई? जी पहले नगर निगम को सूचित किया गया था कि इस तरह की बात है, लेकिन अब अपने स्तर से फिर किया गया है, तो इसमें काफ़ी ठीक ठाक स्थिति देख रही है।